सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट होम चैनल को फॉर होम रेमेडीज DIY रेसिपीज एंड मेकअप। बेल आइकन पे क्लिक करें मेरी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है। हाय फ्रेंड्स, आज आपको मैं दिखाने वाली हूँ सुजाता का मिक्सर ग्राइंडर। ये मैंने मिक्सर ग्राइंडर लिया है अपनी किचन के लिए, मैंने खरीदा है इसे। सुजाता का ये मिक्सर ग्राइंडर प्लस जूसर है, ये है सुजाता पावरमेट्रिक प्लस जूसर मिक्सर ग्राइंडर। ये है 900 वाट का पावरफुल मोटर्स के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके फोटो में भी देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी मुझे लगी ये मिक्सर ग्राइंडर, जो वहाँ पर मैंने इसे कंपेयर किया फिलिप्स के साथ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी अनबॉक्सिंग करके इसमें क्या है। ये इसका MRP पहले आप देख लीजिए, इसका MRP है 6255 और हमने इसे 4400 रुपीज़ में परचेज़ किया है डिस्काउंट के बाद। ये मैंने ऑफलाइन ही लिया था, वैसे आपको अगर ऑनलाइन ख़रीदना है तो ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये आपको अप्रॉक्सीमेट अमेज़ॉन से 4600 तक का मिल जाएगा। तो चलिए अब इसको मैं कर लेती हूँ अनबॉक्स। यहाँ से मैं इसका सील पहले रिमूव कर लेती हूँ। ये ओपन होते ही सबसे पहले इसमें से इसके लीफलेट्स निकले हैं। ये इसके लीफलेट्स हैं सुजाता के, जिसमें इसमें और भी वैरायटीज हैं। इसका सिर्फ मिक्सर ग्राइंडर भी आता है, सिर्फ इसका जूसर भी आता है और दोनों मिक्सर ग्राइंडर भी आते हैं। तो ये है इसका लीफलेट सुजाता को, जिसमें इसके सारे मॉडल्स वगैरह, जैसे इसका ये ब्लेंडर भी है, ये सब दिया हुआ है। एक लीफलेट और है, सुजाता का ही लीफलेट इसमें है। फिर इसमें ये बुकलेट है, शायद इसकी यूज़र मैनुअल है। ये सुजाता पावरमेट्रिक प्लस जूसर मिक्सर ग्राइंडर, इसका ये यूज़र मैनुअल है पूरा, इसमें आप देख सकते हैं पूरा ग्राइंडर दिया हुआ है। यहाँ पर ये इसके साथ कुछ एक्सेसरीज हैं। मैं रैप में एक निकला है ये ब्रश, ये शायद क्लीनिंग ब्रश है, जूसर के लिए क्लीनिंग ब्रश होगा ये चाली का। जब आप कोई भी फ्रूट डालेंगे तो इसको अंदर पुश करने के लिए होगा ये मिला है। फिर हमें मिला है एक ये जार है, ये है जार, ये आपको यूज़ करना है जैसे शेक्स बनाने हैं ब्लेंडिंग के लिए, परफेक्ट है शेक्स वगैरह के लिए, मिल्क शेक के लिए, प्यूरीज बनाने के लिए ये जार परफेक्ट है। और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मतलब इसका जो प्लास्टिक है बहुत ही अच्छा है, और इसका जो ये कवर है इसका भी प्लास्टिक मतलब बहुत ही अच्छा है। देखिए बिल्कुल ऐसे ब्लेंड हो जाता है ये, और इस ये ऊपर वाली टिप रिमूव भी हो जाती है, और ये बहुत ही अच्छा है इसका ऊपर, मतलब जो क्वालिटी है, मतलब प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और ये ब्लेंडिंग जार के अंदर आप सब देख सकते हैं 4 वाला प्लेट है, 4 इसके साइड्स हैं, 4 साइड्स वाला प्लेट है, और प्लास्टिक इतनी अच्छी है और मतलब इस पर अगर आप खड़े भी हो जाएं तो भी ये नहीं टूटेगा, इतना अच्छा प्लास्टिक है इसका। तो ये था हमारा एक बड़ा जार इसके साथ जो मिला है। और जार है ये है इसमें दूसरा जार, ये है चटनी जार है, ये आप देख सकते हैं ये स्टेनलेस स्टील की बॉडी है इसकी, और इसके साथ ये हैंडल भी है, और हैंडल बहुत ही मजबूत है, आप देख सकते हैं अच्छे से इसको यहाँ पर फ्रेम किया गया है, बहुत ही मजबूत हैंडल है। इसके भी ढक्कन की क्वालिटी, जो इसके ऊपर का ये टिप है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और अंदर से आप प्लेट देख सकते हैं, 2 साइड्स वाला प्लेट है इसका, और ये चटनी बनाने के लिए और मसालों को पीसने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जार है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। हैवी है, मतलब अगर आप इसे हाथ में लेंगे तो अच्छा हैवी है ये जार। तो ये हमारे 2 जार हैं। अब हम निकाल लेते हैं अपना जूसर इसमें से। अब ये है पूरा जूसर और इसका जो मिक्सर और मोटर सारा इसी में है, रिमूव कर रही हूँ। ये इसका वायर है, अच्छा इसका प्लग आप देख सकते हैं, प्लग और वायर है इसका। ये जूसर के इसके लिए इसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करना भी बहुत ईजी है, बस ऊपर करना है और नीचे करना है। ऊपर का पार्ट है जूसर के लिए, जब आप जूस निकालेंगे तो यहाँ से आपको फ्रूट डालना है, और क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लास्टिक के भी बहुत अच्छी है, अच्छी क्वालिटी का काफ़ी अच्छा प्लास्टिक है इसका। फिर आपको यहाँ पर मिलता है ये एक और पार्ट है, जूसर का ही पार्ट है ये वाला, यहाँ से जूस आपका निकलेगा। इसके ऊपर लगेगी जाली, जाली मैंने यहाँ पर रखी हुई है, जाली
कहीं भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि स्टेनलेस स्टील की बनी हुई ये चालू है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। मतलब इसमें कोई आपको इसके ब्लेड्स भी काफ़ी, मतलब जैसे मैं इसको टच करूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा शार्प हैं, काफ़ी अच्छे अफेक्टिव ब्लेड्स हैं इसके। चालीस फिर ही आपको एक ये पार्ट मिलता है, ये इसमें जब आप जूस निकालेंगे तो जो भी आपका वेस्ट है वो सारा इसमें इकट्ठा हो पड़ेगा। इसकी एक खास बात ये है कि आप इसे जब जूस निकाल रहे हैं तब भी साथ साथ, मान लीजिए आपका पूरा फिल हो जाए तो तब भी आप इसे साथ साथ उठाकर साथ साथ लगा सकते हैं। मतलब आपको ये नहीं है कि सारे पार्ट्स पहले अलग अलग रिमूव करने होंगे, मान लीजिए ये लगा हुआ है तो आप अलग से इसे अलग कर सकते हैं ईजिली, मतलब आपको सारे ही पार्ट्स अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे अब हम करते हैं हमारा जो मेन यूनिट है इसका मोटर, जो आप सामने से देख सकते हैं, देखिए इसकी मोटर, मोटर के आगे है स्विच, स्विच पे ऑफ, हाई, मीडियम, लो, और एक ये बटन है ये ऑन ऑफ करने का, विप करने का। अगर आपको सिर्फ विप करना है तो यहाँ से आप विप कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ये अब मैं इसे शिफ्ट कर लेती हूँ अपने किचन में और आपको दिखा दी कैसा लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ये शिफ्ट कर लिया है, चला कर दिखाती हूँ इसकी। देखिए ऑन करते ही इसमें रेड लाइट रिफ्लेक्ट होती है, होप आप लोग देख पा रहे होंगे, रेड लाइट आती है। ऑन करते हैं, इसमें आवाज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है ये, बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं है। इस तरह से आप अपने किचन में से, मतलब बहुत ही क्यूट भी लगा मुझे, और कलर ऑप्शन इसमें नहीं है, कलर एक यही अवेलेबल है, हमें तो कोई कलर ऑप्शन नहीं है। मुझे इसमें वाइट की बेस का कलर आता है और यही कंटेनर का कलर आता है। मुझे बॉक्स पे तो थोड़ा ब्राउन कलर लग रहा था, बट मैंने जब शॉपकीपर से पूछा तो उन्होंने कहा कि बस एक यही कलर अवेलेबल है हमारे पास, और तो कोई कलर अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको कलर ऑप्शन मिल जाए तो आप देख लीजिएगा। और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा, मैंने मतलब हमारे यहाँ पर एक रिलेटिव है, उन्होंने उसे यूज़ भी किया हुआ है, उन्हें उनका भी यही रिव्यू था कि फिलिप्स के मुकाबले ये मिक्सर ग्राइंडर ज़्यादा अच्छा है। तो ये था मेरा रिव्यू सुजाता के मिक्सर ग्राइंडर के लिए। अगर आप भी खरीदना चाहते हैं मिक्सर तो मैंने इसका लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके खरीद लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।